उसको जो एसटी स्टेटस देगा हम उसके साथ। रविंद्रनाथ जी क्या कहोगे जिस तरीके से एक बार दोबारा से सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है? देखिए मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत के, जम्मू कश्मीर की राजनीति के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट हैं और उसके साथ साथ वो पीर मुरीदी के भी एक बड़े जाने माने ख़ानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमने बचपन से ही इनको काम करते देखा है, ये हमारे लीडर हैं। मैं बचपन से ही इनके उस एरिया में जब जाता था तो हमारी इनसे फैमिली ताल्लुकात हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं जनाब मुश्ताक बुखारी साहब से। आज हमारा मन किया कि घर में चाय पीने के लिए, तो चाय पीने के लिए आए थे और हालचाल जानने के लिए आए। 2:45 बजे ज्वाइनिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, क्या बुखारी साहब? नहीं, आज हम चाय पीने के लिए आए थे, वो अलग से एक कार्यक्रम है। बुखारी साहब, बुखारी साहब उस जमाने के अंदर इन्होंने काम किया है और बिलखसूस रजौरी पुंछ ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर हो, जम्मू हो, रजौरी पुंछ का बॉर्डर का एरिया हो, इन्होंने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए और बिलखसूसन जो हमारा पहाड़ी कबीला है उसकी ये जान है और ये हमारी शान है, हमारे लीडर हैं और हम इनसे अक्सर मिलते रहते हैं, आपने देखा होगा। रण साहब इससे पहले आप चाय पीने क्यों नहीं यहाँ पर पहुंचे? बहुत बार आया हूं, बहुत बार आया हूं। ये मेरा घर है, बुखारी साहब का घर मेरा घर है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मैं जब रजौरी पुंछ में जाता था तो सुरनकोट जनाब मोहतरम के घर में गाड़ी खड़ी करके तो हम चाय क्या पीते, खाना खाते। क्या आपकी जानिब से दावत दी गई है? दावत क्या, हमारे लीडर है, आप क्या बात कर रहे हो? देखिए जनाब मुश्ताक बुखारी साहब पहाड़ी कबीले के एक बड़े मायानास लीडर हैं और एक बड़े स्टालवर्ट पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। पार्टी में वो अपनी आवाज पहाड़ियों की नहीं उठा पा रहे थे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्ताक बुखारी साहब पहाड़ी कबीले के एक स्टालवर्ट हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी पहाड़ी कौम के लिए जो है जदोजहद की है और जब पहाड़ी कबीले के ऊपर कोई सवालिया निशान लगाएगा तो यकीनन है बुखारी साहब जैसे लोगों को तकलीफ तो होती है। अगर पहाड़ियों को कोई गाली गलौज करेगा, पहाड़ियों को कोई गलत तरीके से बुलाएगा तो जिन लोगों ने पूरी जिंदगी पहाड़ी कौम के लिए लगाई है उनको तकलीफ नहीं होती है।